तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रदीप सिंगर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे। सो गाइस, अभी हम चलते हैं हेलादाब घूमने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे दोस्तों। मैं बताऊंगा आपको हमारे अक्कलकुआ से हेलादाब कितना दूर है और कितना किलोमीटर है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे दोस्तों। तो गाइस, जैसे कि अभी हम पहुंच चुके हैं अक्कलकुआ, और देख सकते हो दोस्तों अभी ये साइड से हम लोगों को जाने वाले हैं लद्दाख को। जैसे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो डब है, यहाँ से 20 किलोमीटर है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से।
अभी आया है ठाणे विहिर गांव आया है दोस्तों, मतलब ठाणे विहिर गांव का जो फाटक है वो आया है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद आया है गंगापुर दोस्तों, तो चलते हैं। आप वीडियो में देख सकते हो दोस्तों सातपुड़ा डूंगर, तो हम लोगों को सातपुड़ा डूंगर में ही जाने का है दोस्तों। उसके बाद देव मोगरा पुनर्वसन आता है दोस्तों, देख सकते हो देव मोगरा नगर, ये रहा देव मोगरा नगर पुनर्वसन, तो चलते हैं दोस्तों। अभी हम लोग वही लद्दाख को वीडियो को लास्ट तक बन रहे,
अभी हम पहुंच चुके हैं आंबली बारी, जो कि है कलकुआ से आते हैं तो 7 किलोमीटर की दूरी पे जो काम है उसका नाम है आंबली बारी। और यहाँ से दोस्तों हेलादाब का रास्ता है, तो यहाँ से जाते हैं दोस्तों। आपको दिखाता हूँ कैसे क्या जाना पड़ेगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। यहाँ से जाएंगे और उस एरिया में जाना पड़ेगा डूंगर में, यहाँ से चढ़ना पड़ेगा ऊपर, यहाँ से चढ़ना पड़ेगा सीधा वहाँ से ऐसा करके जब हेलादाब आता है दोस्तों। तो आप सभी को मैं दिखाता हूँ दोस्तों वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक बने रहे। Thank you.
जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो पानी है, जो दोस्तों इन डूंगर मतलब ये पत्थर है, ये इसके अंदर से ये पानी आता है। यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि यहाँ से भी अंदर से पानी आता है। जैसे कि दोस्तों आप सभी ने वीडियो में देखा होगा हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो गाइस थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, अभी हम बहुत ऊपर आ चुके डूंगर में और आगे का रास्ता भी ऐसे ही है, ऊपर चढ़ना पड़ता है दोस्तों। तो गाइस जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ पे बहुत ठंड लगती है, तो बहुत ठंड लग रही है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक बने रहे, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। Thank you.
और दोस्तों जहाँ पे आना था वो जगह आ चुकी है, यानी कि हेलादाब। आप देख सकते हो यहाँ का लोकेशन कितना अच्छा है। आप सभी को आगे भी दिखाता हूँ वीडियो में। सो हेलो गाइस, फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग हेलादाब को। बहुत ठंड लग रही है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने मतलब कितने मिनट में आ चुके हैं दोस्तों। कलाक तो नहीं बताएंगे दोस्तों, कलाक तो नहीं लगा। यहाँ का लोकेशन मैं आप सभी को बारी बारी से दिखाऊंगा दोस्तों, हेलादाब में। तो दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर आते हैं वैसे वैसे ठंड बहुत लगती है। तो आप सभी को मैं दिखाता हूँ यहाँ का लोकेशन। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ की लोकेशन दुकान। और ये रहा हमारे माँ देव मोगरा माता जी का तीर्थ धाम, यानी कि हेलादाब। तो दोस्तों वहाँ पे चलते हैं, बहुत अच्छी कारीगरी की गई हुई है दोस्तों यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। तो दोस्तों मतलब ये सब जो पहले के ज़माने के जो हमारे दादा थे, परदादा थे, जो माँ देमोगरा माता जी के तीर्थ धाम को आते थे, तो वो सब बैलगाड़ी में आते थे। और किस तरह वो लोग रहते थे वो सब इस तस्वीर में, यानी कि इस फोटो में दिखाया गया है। देख सकते हो माँ देमोगरा माता जी का मंदिर और कैसे क्या खाना बना रहे थे, मतलब वो पहले के ज़माने में किस तरह लोग रहते थे मिलजुल के, वो सब इस वीडियोस में यानी कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो मैं आप सबको छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ये सब देख के। तो दोस्तों चलते हैं हमारी कुलदेव माँ देव मोगरा माता जी के दर्शन करने के लिए, चलते हैं माँ देव मोगरा माता जी के मंदिर में। सो गाइस अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए है देमोगरा माता जी को, हमारी कुलदेव माँ देमोगरा माता जी का दर्शन कर लिया है। तो अभी दोस्त हम लोग चलेंगे स्ट्रॉबेरी खाने के लिए, मतलब स्ट्रॉबेरी लेने के लिए जाएंगे दोस्तों यहाँ से लगभग। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं स्ट्रॉबेरी लेने के लिए। तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जो स्ट्रॉबेरी का फार्म है दोस्तों, तो उसका भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा दोस्तों, आप लोग देखना।
तो अभी माता जी का दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने, तो अभी चलते हैं दोस्तों स्ट्रॉबेरी लेने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे दोस्तों। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्ट्रॉबेरी फार्म में। तो आप सभी को मैं दिखाऊंगा यहाँ का स्ट्रॉबेरी का यहाँ पे कैसे बनाते हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहे, मैं आप सभी को दिखाता हूँ, देखना। वाओ सुपर, देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे स्ट्रॉबेरी से यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हो स्ट्रॉबेरी का फार्म बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया हुआ है। बहुत सारी लगी हुई स्ट्रॉबेरी दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी का फार्म है दोस्तों, ये सिर्फ हमारे यानी कि हमारे एरिया में यहाँ पे बनते हैं दोस्तों। जितना भी यहाँ का एरिया है, मतलब अक्कल कुआ से लेके सहदा सहदा प्रकाशा और डेडियावाड़ा सभी, मतलब व्यारा तापी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बनते हैं हमारे स्ट्रॉबेरी का फार्म, यहाँ पे बनता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सभी टाइम पे, मतलब यहाँ पे ठंड बहुत रहती है ना, तो ठंड की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बनाई जाती है और ठंड में बनती है स्ट्रॉबेरी दोस्तों। तो गाइस आप सभी को बस मैं बताना चाहूँगा, मैंने आप सभी के लिए इतना कुछ किया है कि अक्कल कुआ से हेला दाब कितना है। जैसे कि आप सभी ने देखा वीडियो में हेलादाब कितना किलोमीटर होता है और कैसे क्या आते हैं, और हेलादाब से हमारे जो स्ट्रॉबेरी का फार्म है वो नज़दीक था, तो दोस्तों हम लोगों ने क्यों ना कुछ दोस्तों को और एक सरप्राइज दूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं आप सभी को स्ट्रॉबेरी का फार्म है और कैसे क्या और कहाँ बनाते हैं वो आप सभी को दिखाए दोस्तों। तो कभी ये आए तो दोस्तों यहाँ पे आप आ सकते हो। तो दोस्तों ये इसको भी दाभी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों थोड़ा कुछ इंजॉय करते हैं यहाँ पे आए हो तो।
अभी हम वहाँ पे चलेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे दोस्तों। वहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ का लोकेशन भी अच्छा है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए इतने मतलब इतना अच्छा सा ब्लॉग वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो, और एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो गाइस देख सकते हो स्ट्रॉबेरी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि ये लोग अभी कर रहे हैं। अपने स्ट्रॉबेरी को नुकसान नहीं पहुंचे इसलिए सब अच्छे से देखभाल करना पड़ता है दोस्तों। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो पीछे का लोकेशन बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। दोस्तों अगर घूमना है हेलादाब में तो दोस्तों बारिश के टाइम पे आना, बहुत मतलब सब चारों तरफ है ना, सब हरियाली हरियाली हो जाता है दोस्तों। तो घूमने के लिए और फोटो निकालने के लिए बहुत अच्छा आता है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के वीडियोस में बस इतना है दोस्तों। तो बाय दोस्तों, टेक केयर।